2024 के चुनाव में भले ही एक साल का वक्त हो, लेकिन सियासी दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने लोकसभा चुनाव का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। पश्चिमी यूपी में अपनी खोई जमीन हासिल करने में जुटा रालोद निकाय चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है। इसी क्रम में जयंत चौधरी हापुड़ पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने जयंत का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जयंत ने कार्यकर्ताओं को 2024 की तैयारियों में जुट जाने का मंत्र दिया। हालांकि 2024 के चुनाव में गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, इस पर उन्होंने खुलकर कुछ ठोस नहीं कहा। लोकदल की जो जमीनी इकाई है, जो कार्यकर्ता हैं गांव में, मैं उनसे मिलूंगा, उनकी बात समझूंगा। मैं चाहता हूं कि वो मजबूत रहें, हमारी पार्टी भी यहां बढ़त हासिल करे। पश्चिमी यूपी में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए रालोद समरसता अभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत पार्टी नेता जन जन तक पहुँच रहे हैं। रालोद के समरसता अभियान पर भाजपा ने तंज कसा है और दावा किया है कि 2024 के चुनाव में भाजपा को कोई ताकत हरा नहीं सकता। अब 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने 80 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को जिताने का मन बना लिया है। जाहिर है, निकाय चुनाव में पहले के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन से रालोद का जोश हाई है, तो भाजपा 17 नगर निगम में क्लीन स्वीप जैसे महाविजय के लिए पहले से संकल्पित है। भले ही कर्नाटक की जंग खत्म हो गई हो, मगर बजरंग दल को बैन करने वाला बयान मुद्दा बनकर अभी भी राजनीति में छाया हुआ है। ताजा बयान जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने दिया। एबीपी न्यूज को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अरशद मदनी ने कहा है कि अगर कांग्रेस ने कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करने का वादा पूरा नहीं किया तो आगे से कोई उन पर भरोसा नहीं करेगा। उन्होंने अपना एक मैनिफेस्टो दिया और उन्होंने कहा कि हम नफरत की सियासत कबूल नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो जिस इशू के ऊपर इलेक्शन लड़ रही है वो भी एक इशू ये भी है। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मदनी ने ये भी कहा कि कर्नाटक में अल्पसंख्यकों ने कांग्रेस को 95% से 100% वोट दिया, जिसके बाद कांग्रेस को अपना चुनावी वादा पूरा करना चाहिए। इसके साथ ही अरशद मदनी ने भाजपा को उनकी पॉलिसी बदलने की सलाह भी दे डाली। बीजेपी को बदलना पड़ेगा। बीजेपी आए इलेक्शन के अंदर कहे कि हम तनहा हिंदू के वोट को नहीं, हम हिंदू और मुसलमान दोनों के वोट को लेना चाहते हैं, क्यों नहीं जाएगा मुसलमान। मौलाना अरशद मदनी के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। मदनी के बयान पर पलटवार किया है अयोध्या के हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी राजू दास ने। बजरंग दल को PFI से जोड़ देना, ये कहाँ तक न्याय उचित है? बजरंग दल का काम है सेवा, सुरक्षा और संस्कार। तो जो सेवा देने वाला है उस पे बैन, जो सुरक्षा की बात करता है उस पे बैन, जो संस्कार की बात करता है उस पे बैन, ये कहाँ तक न्याय उचित है? एबीपी न्यूज से अरशद मदनी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए कि कांग्रेस की हुकूमत में देश में दंगे हुए और साफ कहा कि बेंगलोर, मुरादाबाद, मुंबई, मेरठ में दंगे हुए, इन सब की जिम्मेदार कांग्रेस है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।